नमस्कार भाई दोस्तों, आज हमारे को दिल से खुशी हो रही है और इतनी खुशी हो रही है आपको भी दिखाएंगे, वो चीज दिखाएंगे आपको। आप देखोगे ना हैरान रह जाओगे, हैरान होने के साथ साथ इतना प्राउड फील करोगे। एक चीज हम बहुत पहले से बोलते आ रहे थे, जो से फिल्में बनती हैं, ये गदर टू जैसी फिल्में नहीं, इनको ना हम देखते ना कभी देखा है, लेकिन जैसे मस्ताने जैसी फिल्म बनती है, मस्ताने फिल्म जब भी हमारे यहाँ पर लगेगी देख के आएंगे, बिल्कुल फिल्म को हॉल में देख के आएंगे। हालांकि हम हॉल में फिल्में नहीं देखते लेकिन इसको देखेंगे, मस्ताने फिल्म। एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बना दिया, एक ऐसा इतिहास, चाहे वो सिंह कोई देखने जा रहा है, सिख देखने जा रहा है, चाहे कोई हिंदू देखने जा रहा है, चाहे कोई मुसलमान देखने जा रहा है, चाहे कोई सिंघनी भी देखने जा रही है ना, फिल्म देख कराने के बाद जो रिव्यू दे रही है कि ऐसी फिल्म बननी चाहिए। हम भी ये बात बोलते थे, पंजाब के अंदर इतने कलाकार हैं, सब कुछ हैं, जो पंजाब का इतिहास है, इतना विशाल इतिहास, उसके ऊपर फिल्में बननी चाहिए, बननी चाहिए फिल्में। एक फिल्म आई मस्ताने, गजब गजब कहर डाल दिया फिल्म ने, ऐसा कहर डाल दिया कि फिल्म को जो भी देख रहा ना, उसका रिव्यू जो हम सुन रहे हैं, ये फिल्म मतलब सही मायने में एक फिल्म बनाई है, सही मायने में। और हम इंतजार कर रहे थे इस फिल्म का असली रिजल्ट कब आएगा, असली रिजल्ट समझते हो आप, कोई फिल्म बनती है उसका रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट आता है ना, इस फिल्म का जो रिजल्ट आया है, जितने भी सिख हैं, चाहे वो NRI हैं, चाहे वो अपने देश में है, किसी भी देश के अंदर हैं, वो इतना प्राउड फील करेंगे जो इस फिल्म का रिजल्ट आया है। रिजल्ट ये नहीं कि एक मूवी, हाँ मूवी अच्छी बनाई है, काफी अच्छी बनाई है, जो सिखों का मजाक उड़ाते थे 12 बजे वाला, वो 12 बजे वाला मजाक बंद हो गया, एक तो मजाक बंद हो गया, एक फिल्म पूरी हाउसफुल चल रही है। दूसरी बात, तीसरी बात, इस फिल्म के जिस रिजल्ट का हमारे को इंतजार था, वो रिजल्ट आया भाई, वो रिजल्ट इस फिल्म ने दिया, और ऐसा दिया रिजल्ट कि हम भी सोच के हैरान कि मतलब ऐसा ही रिजल्ट चाह रहे थे, वो रिजल्ट आया। आपको पता है सिखों का एक पारंपरिक खेल होता था गतका, जो गुरु साहबों की देन है गतका, उस गतके को लोग भूलते जा रहे थे, इस फिल्म ने एक ऐसा इतिहास बना दिया। सबसे पहले है ना, आप इस फिल्म का ना वो जो इतिहास है वो देखा, फिल्म हाउसफुल जा रही है भाई, पूरी फिल्म हाउसफुल जा रही है, सबसे अच्छी बात है, आप बिल्कुल देख सकते हो। वेखो जी, मस्ताने लखीमपुर खीरी UP दे विच हाउसफुल, पूरा पहला शो अज मस्ताने का, मस्ताने आए ही मूवी वेखण, पूरी हिट है जी, पूरी हिट है लखीमपुर खीरी में हाउसफुल, हर जगह पे हाउसफुल है ये फिल्म, हर जगह पे हाउसफुल। और अब आते इस फिल्म के उस रिजल्ट के ऊपर, जिस रिजल्ट का हमारे को इंतजार था, मैं ये कह रहा हूँ आज ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो को शेयर करना, जब आप इसका रिजल्ट देखोगे ना आप ऑटोमेटिक वीडियो को शेयर करोगे, ऑटोमेटिक। और बात करेंगे उसके बाद, इस रिजल्ट दिखाने के बाद आपसे एक और बहुत जरूरी बात बताएंगे जो कि सभी को सुननी बहुत जरूरी है, और हर एक सिख तक आज ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जो इसका रिजल्ट देखेगा ना वो बस प्राउड फील करेगा, और कुछ नहीं होगा, इतना प्राउड फील करेगा जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप देखिए, हाँ जी तुसी देख रहे हो जी, मेरे नाल जो बच्चे खड़े ने इन्हां दे वाल कट्टे हुए हैं, तो पर यह जो बच्चे साढ़े को गतका सिख सिखलाई ले आए ने, यह मस्ताना मूवी तो प्रभावित, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो के साढ़े को आए, तो सरदार बनना चाहते हैं, बाल रखे, तो ये 3 बच्चे तुसी देख रहे हो, इस तो होर भी बच्चे बहुत आ रहे हैं जो अगे दी अगे साढ़े को गतका सिखलाई ले, जो मस्ताना मूवी तो प्रभावित हो गए साढ़े को आ रहे हैं। गज गज कर लेने आलो जावे फतेह पावे, चिट्टा वाजा वाले सतगुरु रखे बरदपणे दी लाज, चिता गुप्ता शिदो सिंह सरबत गुरु खालसा सिंह साहब जी को सत श्री अकाल, लाडलिया फौजा दे मालको सतगुरु रखे फौजा तैयार बर तैयार, आप दा खालसा जपे सदा अकाल अकाल अकाल, गज गज कर लैन आलो जावे बाबा दीप सिंह ने मनन पावे, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
पता लगा जब असली फिल्म बनती है तब कैसा रिजल्ट आता है। अपने बच्चों को दिखाओ ये फिल्म, अपने बच्चों को, सभी माताओं बहनों से सबसे रिक्वेस्ट है आप सिनेमा थिएटर में जाइए और फिल्म बनाइए। और जिसने ये फिल्म बनाई है, जिस भी फिल्मकार ने ये फिल्म बनाई है, दिल से सलूट है उनको, सलूट है दिल से। ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो कि सही मायने में हमारा इतिहास दिखाएं, बच्चों तक हमारा इतिहास पहुंचाए। आप ये देखिए, सिर्फ सिख ही नहीं, सिखों के बच्चे नहीं, जो सिख नहीं है, जो मतलब केस कटाए हुए बच्चे हैं, वो भी गतका सीखना चाहते हैं। और क्या रिजल्ट चाहोगे आप एक फिल्म से, एक फिल्म से आप और क्या रिजल्ट चाहोगे? इससे जबरदस्त रिजल्ट अगर कोई फिल्म दे जाए तो हमारे को बता देना, ये गदर देख के तो ना है हू करना, ये करना वो करना सीखेंगे। लेकिन इससे मूवी से ना, मस्तानी मूवी से सही मायने में अपना इतिहास सीखेंगे, सही मायने में इतिहास कि हमारा इतिहास क्या है, क्या दिया है सिखों ने, सिखों की क्या देन है इस देश को। सिखों की देन तो ना चंद्रयान 3 जो गया है उसके अंदर भी सिखों की सबसे बड़ी देन है, उसके अंदर भी सिखों की सबसे बड़ी देन है। हमने तो पहले ही बोला था कि बगैर सिखों के कौन इतिहास रच सकता है, हो ही नहीं सकता कि कोई इतिहास रच दे। कोई इतिहास रचने में भी सरदार महेंद्र पाल सिंह जी का हाथ है। आप मानोगे इस बात को या नहीं मानोगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन है ना सरदार महेंद्र पाल सिंह जी का हाथ। अब एक रिक्वेस्ट और रहेगी, जैसे ये बनाया गया है, जो सिंहों के बारे में पिक्चर बनाई गई, मस्तानी मूवी बनाई गई है, ऐसे ही बनाइए आप, ऐसे ही मूवी बनाइए। और लोग हैं जो सिंहों के ऊपर मूवी बना बना के पैसे कमा रहे हैं, तो क्यों ना अपने इतिहास को खुद जो पंजाब के कलाकार हैं वो बनाए, पंजाब के कलाकार वो बनाए। आप अपनी राय दे सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। आप देखिए जिस रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे थे ना, वो रिजल्ट 4-5 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ गया, 4-5 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ गया, वो जिस रिजल्ट का हमारे को इंतजार था। और बताओ आपको क्या रिजल्ट चाहिए, एक मूवी से आप क्या रिजल्ट चाहते हो? एक तो आपके बच्चे मूवी देखकर ऐसी चीज सीखे कि अपना गतका सीखना है, अपना इतिहास जानना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है। एक आपके बच्चे मूवी देख करके घर से भाग गए और दूसरे टाइप की जो ये कुकरमुते टाइप लोग करते हैं वो करें, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके और वो गुंडों वाले सीन करें, वो नहीं होता। फिल्में ये होती हैं, मस्ताने जैसी होती हैं फिल्में, जिनको हम फिल्म बोल सकते हैं, जिनको हम फिल्म बोल सकते हैं, ये होती हैं फिल्में। भगवंत मान साहब गदर 2 का बड़ा प्रचार किया था, बहुत प्रचार किया था, मानते अगर आप मस्ताने का प्रचार करते तो तब तो आपको मानते भी कि हाँ आप सही मायने में सिक्खी के लिए कुछ कर रहे हो, कर रहे हैं क्या। SGPC को भी प्रचार करना चाहिए था इस मूवी का, ये चाहते हैं हम SGPC अकाल तख्त साहब, उनको भी कुछ ना कुछ लिखना चाहिए था, बोलना चाहिए था इसके बारे में कि ये मूवी बच्चों को, विशेष तौर पर अपने बच्चों को दिखाओ, जो नई पंजीरी बोलते हैं ना जिसको, उन बच्चों को विशेष तौर पर दिखाओ, विशेष तौर पर ये देखो हमारा ये इतिहास है, ऐसे थे हमारे योद्धा, ऐसे थे, ताकि बच्चे वैसे योद्धा बने, ना कि बच्चे नशे की तरफ जाएं, जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, चिट्टे की तरफ जा रहे हैं ना, उससे दूर होने के लिए ऐसी फिल्मों का बनना बहुत जरूरी है, मस्ताने जैसी फिल्मों का बनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप लोग अपनी राय दे सकते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हो भाई व्हाट्सअप नंबर के ऊपर, हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है ये गलत है। बहुत साथियों के कमेंट थे कि मस्ताने मूवी के ऊपर वीडियो बनाना, ये देखिए आपको रिजल्ट के साथ वीडियो बना के दिखाया है, आगे आप लोगों का काम है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। ऐसे ऐसे वीडियो बनाएंगे, ऐसे ऐसे चीजें दिखाएंगे जिनका कुछ असर होता होगा, और ऐसी चीजों को प्रमोट भी करना चाहिए। फिर एक बार सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक मस्तानी मूवी नहीं देखी है, वो जाइए थिएटर में जाकर मस्तानी मूवी देखिए। हमारे यहाँ भी लगे थिएटर में मस्तानी मूवी देखेंगे, बाकी फिल्म के बारे में तब बात करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।